रूस को चीन ने दिखाया ठेंगा, जिनपिंग ने किया पुतिन की मदद से इनकार, रूस के यूक्रेन पर क्यों ढीले पड़े तेवर। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के जल्द खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। मानवता के कत्लेआम का जो खेल चल रहा था वो अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है। जी हाँ, ठीक सुन रहे हैं आप, यूक्रेन पर फतह हासिल करने की नीयत से युद्ध के मैदान में उतरे रूस के तेवर अब ढीले पड़ने लगे हैं। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि रूस ने यूक्रेन पर जीत की अपनी मंशा ही छोड़ दी है? क्या असल में रूस का दम निकल गया है? क्या यूक्रेन रूस पर भारी पड़ रहा है? क्या दुनिया में अलग थलग पड़ गया है रूस? क्या प्रतिबंधों की मार ने रूस की अकड़ कर दी है ढीली? क्या रूस की कोई मदद नहीं कर रहा है? क्या चीन ने रूस को गच्चा दे दिया है? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब आज मैं इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करूंगा। लिहाजा मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज नाउ। दोस्तों, रूस जिस तरह से यूक्रेन में अपने कदम पीछे खींच रहा है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि यूक्रेन ने एक बार फिर से नेटो देशों का सदस्य बनने की मंशा से साफ इनकार कर दिया है। युद्ध रोकने के लिए यूक्रेन ने क्यों किया बड़ा ऐलान? क्या अमेरिका की फितरत से रूबरू हो गया है यूक्रेन? दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच 21 दिनों से जंग जारी है। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से रूस अब युद्ध को तैयार नहीं है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की युद्ध रोकने की कोशिश करते दिख रहे हैं। इस कड़ी में यूक्रेन ने ऐलान किया है कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा। इस बड़े ऐलान से रूस के तेवर भी नरम हो सकते हैं, क्योंकि ये युद्ध के कारणों में से एक बड़ा कारण था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि रूस ने पहले ही कहा था कि वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, क्योंकि इससे उसकी सीमा पर नेटो फौजों की तैनाती हो जाएगी और जो उसकी सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। इसके लिए रूस ने यूक्रेन को चेतावनी दी थी, लेकिन यूक्रेन ने उनकी बातों को नहीं सुना और अपनी मांगों पर अड़ा रहा, जिसका नतीजा आज वो खुद भुगत रहा है। दोस्तों, जब से यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन हुआ था, उसका पश्चिमी देशों के प्रति झुकाव तेजी से बढ़ता ही चला गया। वो रूस को तरजीह नहीं दे रहा था, जिसके बाद पुतिन को लग रहा था कि अगर यूक्रेन नेटो का सदस्य बन जाएगा तो उसके तेवर और तीखे हो जाएंगे, जिसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा उसने यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर आक्रमण कर दिया। दोस्तों, एक तरफ युद्ध जारी है तो दूसरी तरफ टेबल पर बातचीत भी चल रही है और युद्ध की ज्वाला को शांत करने की कोशिश हो रही है। उधर रूस और यूक्रेन के बीच के हालातों को देखते हुए नेटो ने 24 मार्च को एक सम्मेलन का आयोजन किया है। नेटो के महासचिव ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि मैंने 24 मार्च को नेटो मुख्यालय में एक सम्मेलन का आयोजन किया है। इसमें रूस का यूक्रेन पर हमला, यूक्रेन के लिए हमारे मजबूत समर्थन और नेटो के प्रतिरोध और रक्षा को और मजबूत करने को लेकर के चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण समय में अमेरिका और यूरोप को एक साथ खड़े रहना होगा। इस सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल होंगे। वहीं दोस्तों, इन सब के बीच यूक्रेन के अधिकतर शहर खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। खेरसोन, खार्किव, मारियोपोल, इरपिन जैसे शहर बमबारी और मिसाइलों से ध्वस्त हो चुके हैं। वहां की इमारतें और घर खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं, तो स्कूल और अस्पतालों की इमारतें भी जर्जर हो चुकी हैं, खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। दोस्तों, रूस ने मारियोपोल के सबसे बड़े अस्पताल पर कब्जा कर लिया है। वहां के डिप्टी मेयर ने कहा है कि रूस के सैनिकों ने डॉक्टर्स और मरीजों समेत 400 लोगों को बंधक बना लिया है। उन्हें बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा। रूसी सैनिक अब कीव पर भी लगातार जोर दे रहे हैं। रूसी हमले के खतरे को देखते हुए कीव में कल सुबह से सख्त कर्फ्यू लगा हुआ है। यूक्रेन को लगता है कि रूस की स्पेशल फोर्सेज राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की पर हमला कर सकती हैं। वहीं दोस्तों, मंगलवार को कीव के बाहरी इलाकों में दो अमेरिकी पत्रकारों की गोलाबारी में मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। वहीं दूसरी ओर हमले के बीच फंसे हुए भारतीयों को रूसी शहरों के रास्ते से बाहर लाया जा रहा है। खेरसोन में फंसे 3 भारतीयों को भी सिम्फरोपोल और मॉस्को के रास्ते सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। इस बीच यूक्रेन के लोगों को अपना समर्थन देने के लिए 3 पड़ोसी देशों पोलैंड, चेक रिपब्लिक और स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री ट्रेन से कीव पहुंचे और ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। हालांकि इस बैठक से पहले ज़ेलेंस्की ने फिर से नेटो में शामिल नहीं होने की बात कही है, जिसे रूस के तेवर नरम पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन इसका कितना असर होगा, ये दोनों देशों के बीच होने वाली अगली बातचीत में पता चलेगा। लेकिन दोस्तों, इस बीच चीन ने रूस को किसी भी तरह की मदद देने की खबरों से साफ इनकार कर दिया है।
यानी ठीक से कहा जाए तो जिनपिंग पुतिन को डायरेक्टली बड़ा झटका दे रहे हैं। पहले दिया मदद का भरोसा, फिर खींच लिया हाथ। आखिर चीन ने रूस को क्यों दिया सबसे बड़ा धोखा? दोस्तों, चालबाज चीन की फितरत ही ऐसी है, उसके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। पुतिन ने भी यही गलती की, जिसका खामियाजा उनको अब भुगतना पड़ रहा है। रूस ने सोचा था कि यूक्रेन युद्ध में जिनपिंग उनकी मदद करेंगे, उनके खेवनहार बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। चीन ने उनको गच्चा दे दिया है, जिसके बाद रूस के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। चीन ने कहा है कि यूक्रेन संघर्ष को लेकर उसका रुख पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ, निष्पक्ष और संरचनात्मक है। चीन ने अमेरिका पर बार बार दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है कि वो सैन्य आपूर्तिकर्ताओं के रूसी अनुरोध पर सकारात्मक जवाब दे रहा है। इस मामले में चीन ने कहा है कि अमेरिका ने गलत जानकारी फैलाई है, ये न केवल गैर पेशागत है बल्कि अनैतिक और गैर जिम्मेदाराना भी है। अमेरिका को यूक्रेन संकट के घटनाक्रम और आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका पर गहराई से विचार करना चाहिए और यूक्रेन में तनाव को कम करने के लिए कुछ व्यवहारिक कदम उठाने चाहिए। दोस्तों, हालांकि चीन ने यहां एक बड़ी बात भी कही, उसने कहा कि नेटो के विस्तार और सुरक्षा के खतरे के जरिए उसने रूस को उकसाया है। इतना नहीं, चीन ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करने या इसे युद्ध की संज्ञा देने से भी साफ इनकार कर दिया है। दोस्तों, चीनी विदेश मंत्रालय की ये टिप्पणी अमेरिकी सलाहकार जैक सुलिवान और चीन के वरिष्ठ नीति सहायक यांग यीशी के बीच हुई मुलाकात के बाद आई है। इस बीच क्रेमलिन ने इस रिपोर्ट से साफ इनकार किया कि रूस ने युद्ध में इस्तेमाल के लिए चीनी सैन्य उपकरणों की मांग की है। चीन ने रूसी अर्थव्यवस्था को तहस नहस करने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों का भी विरोध किया है। चीन ने कहा है कि आज की स्थिति से वो बुरी तरह से आहत है। उन्होंने कहा कि चीन शांतिपूर्ण वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसी खबरें आ रही थी कि रूस के पास यूक्रेन से ये लड़ने के लिए साजो सामान की भारी कमी हो गई है और इसके लिए उसने चीन से मदद मांगी है। हालांकि चीन और रूस ने दोनों ने ही इन खबरों को गलत बताया है। बावजूद इसके अमेरिका चीन को ऐसा कोई कदम नहीं उठाने देना चाहता और इसके लिए बाकायदा उसने वार्निंग भी दी है। अमेरिका ने साफ कहा है कि जो भी देश रूस की मदद करेगा उसको अंजाम भुगतने पड़ेंगे। अमेरिका का ऐसा इशारा भारत की ओर भी था, क्योंकि ऐसी ही खबरें थी कि भारत रूस से तेल और प्राकृतिक गैस को लेकर बड़ी डील फाइनल करने वाला है, जो रूस की अर्थव्यवस्था के लिए भारी मददगार साबित होगी। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत रूस के साथ खड़ा नजर आ रहा है, वहीं दोस्तों चीन के कदम रूस को एक बड़ा झटका दे रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि दोनों देशों के बीच अब दरार आ गई है, क्योंकि दोस्तों यूक्रेन युद्ध में चीन रूस का उस तरह से साथ नहीं दे रहा जैसा रूस ने उससे उम्मीद जताई थी, लिहाजा यूक्रेन को मात देने की उसकी इच्छा अब दम तोड़ने लगी है। रूस को अब ये चिंता सताने लगी है कि उसके ऊपर लगे आर्थिक प्रतिबंधों का अब वो मुकाबला कैसे करेगा, क्योंकि अमेरिका के दबाव में सारे देश उसे किनारा करने लगे हैं और शायद यही कारण है कि युद्ध को लेकर रूस की नीति अब बदलने लगी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच जल्द युद्ध समाप्त हो सकता है। रूस यूक्रेन के बीच क्या जल्द खत्म होगा युद्ध? क्या यूक्रेन अब रूस के आगे डालने वाला है हथियार? दोस्तों, 21 दिन से चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध के जल्द खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति की एक वरिष्ठ सहयोगी का कहना है कि रूस ने संभावित समाधान को लेकर बातचीत में काफी नरम रुख अख्तियार किया है। उन्होंने कहा है कि रूस ने अपना सुर बदला है और उसने युद्ध से आत्मसमर्पण करने की डिमांड भी अब बंद कर दी है। दोस्तों, ये अच्छे संकेत हैं कि दोनों देशों के बीच बात बन रही है और दोनों देश युद्ध खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। भारत भी यही चाहता है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए और इनके बीच में शांति स्थापित हो। पीएम मोदी इसे लेकर दोनों देशों से कई बार अपील कर चुके हैं। इतना नहीं, युद्ध खत्म हो जाए इसके लिए पीएम मोदी ने दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से लंबी चौड़ी बातचीत की है और उन्हें टेबल पर आने के लिए मनाया भी है। उन्होंने समझाया कि युद्ध से बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है, बातचीत से कोई बड़ा समाधान निकल सकता है। तो दोस्तों, इस बीच रूस को भी ये समझ आ गया है कि भारत ही उसका सच्चा और अच्छा दोस्त है, जिगरी दोस्त है, तो वहीं चीन किसी भी तरीके के भरोसे के काबिल नहीं है। क्योंकि दोस्तों, इससे पहले भी रूस ने जब अपने जेट्स के लिए चीन से उपकरण मांगे थे तो चीन ने साफ इनकार कर दिया। तो उसने कहा था कि अब हमारे पास केवल भारत ही एकमात्र जरिया है जहां से वो बोइंग के उपकरण खरीद सकता है और ले सकता है। यानी दोस्तों, भारत अब भी रूस का समर्थन कर रहा है तो दूसरी तरफ चीन है जो पीछे पांव खींच चुका है। दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस मामले में कि भारत को क्या कुछ सपोर्ट करना चाहिए, मोदी को अब क्या कुछ करना चाहिए, मुझे कमेंट लिख करके जरूर बताएं।